हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर। टुडे वीडियो इज गोना बी अबाउट क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। हमें एक्सप्रेशन हमें क्या दे दी गई है, पोलिनोमियल। जब हम इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस ए से, उस केस में हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। हम लिख लेते हैं, लेट कर लिया हमने कि जो पोलिनोमियल है वो तो हमारी एक्स में है, उसको हमने क्या ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, ये मुझे क्या गिवन है। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहती है, व्हेन किसी भी, जब हम पोलिनोमियल को, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर कितना मिलता है मुझे, किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं, जब भी हम किसी भी पोलिनोमियल को, पी ऑफ एक्स का यहाँ कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या हमारी ये, जब भी हम किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से, तब हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, पी ऑफ ए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, जो एक्स माइनस ए ये हमें दिया है, इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। जब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तब हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ए। अब जो एक्स की वैल्यू मिली है उसको हम क्या करेंगे, गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू ए, ए क्यूब माइनस ए, ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए, इसके साथ ही हो जाएगी कैंसिल, तो कितना बचेगा मेरे पास, फाइव ए, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स इज अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स। मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है मेरे पास, सेवन प्लस थ्री एक्स क्या मेरे पास फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, जो मुझे पोलिनोमियल दी गई है वो क्या करना है, मुझे चेक करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो ये मेरे पास सेवन प्लस थ्री एक्स है उसको मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँगी, सेवन प्लस थ्री एक्स को मैं क्या करूँगी, ज़ीरो के इक्वल रखूँगी। और यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी, एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस सेवन बाई थ्री। अब जो एक्स की वैल्यू आई है उसको मैं क्या करूँगी, गिवन पोलिनोमियल में पुट करूँगी, लेट कर लिया मैंने, पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल क्या है मेरी, थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, एक्स की वैल्यू को पुट कर दूँगी, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस सेवन बाई थ्री का क्यूब प्लस सेवन, एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाई थ्री। और अब मैं इसको क्या कर दूँगी, सिंप्लीफाई कर दूँगी, माइनस सेवन मल्टीप्लाई माइनस सेवन मल्टीप्लाई माइनस सेवन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस माइनस माइनस सेवन, सेवन सा फोर्टी नाइन अपॉन थ्री। और मैं इसको फिर से जितना मुझसे सोल्व होगा उतना उसको मैं क्या करूँगी, सोल्व करूँगी, थ्री सेवन सेवन सा सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन, और फोर्टी नाइन को जब सेवन से मल्टीप्लाई करूँगी कितना आएगा, थ्री फोर थ्री। ठीक है, सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन को सेवन से मल्टीप्लाई करूँगी थ्री फोर थ्री आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री माइनस फोर नाइन अपॉन थ्री। अब इस थ्री से एक थ्री कैंसिल हो सकता है मेरे पास, तभी तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा था ट्वेंटी सेवन। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा था मेरे पास, इसलिए अब थ्री थ्री सा कितना हो गया, नाइन माइनस फोर्टी नाइन अपॉन थ्री। और अब मैं इसका एलसीएम लेके भी इसको सोल्व कर सकती हूँ, थ्री और नाइन का जब मैं एलसीएम लूँगी, थ्री और, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए तो हम एलसीएम लेते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री वन जा थ्री, दैट मीन्स एलसीएम कितना आया, थ्री थ्री ज़ा नाइन। एक लाइन लगा के इसको नीचे लिख दूंगी, माइनस थ्री फोर थ्री। नाइन का टेबल तब तक रीड करना जब तक नाइन नहीं आ जाता, वन पे आएगा, फोर्टी नाइन है। अब थ्री का टेबल तब तक रीड करना जब तक नाइन नहीं आ जाता, थ्री थ्री सा नाइन। अब इसको मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस थ्री फोर थ्री। यहाँ जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी, वन फोर सेवन अपॉन कंप्लीट के नीचे क्या है मेरा, नाइन, तब मेरा मुझे क्या मिलेगा, माइन इक्वल्स टू माइनस फोर नाइन्टी अपॉन नाइन।
ठीक है, जब मैंने पी ऑफ -7/3 को सॉल्व किया मुझे क्या मिला, -490/9। मुझे क्या चेक करना था कि 7+3x क्या फैक्टर है इसका, अगर तो उसका फैक्टर होता तब तो मुझे आंसर क्या मिल जाता, 0 मिलता। ठीक है, अभी इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि मुझे आंसर मिला है ना इसका, मुझे तो इसका आंसर मिला है -490/9। डैट मीन्स 7+3x क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.